कि अब की कारा काट से लड़े पवन जी हमारे अवतारे, कि अब की पवन जी कारा काट करे उजियार अवतारे। मेरी तरफ से तो अभी मैं जितने गांव में गई हूँ बहुत सारा आशीर्वाद मिला है, कोई ऐसे नेगेटिव चीजें मुझे नहीं दिखी हैं। लोगों ने मुझे भर भर के प्यारा आशीर्वाद दिया है। लोगों का यही कहना था कि एक बार पवन जी भी हमारे क्षेत्र में, जब तक विरोधी नहीं रहेंगे तो जीत का मजा कैसे आएगा। विरोधी तो होने चाहिए लाइफ में, कॉम्पिटिटर बहुत जरूरी होते हैं। अभी हमारे अंदर थोड़ी झांक के देखें कि हम रहेंगे। अब उन्होंने वादा किया है, वो अपने वादे पे जरूर, उन्होंने वादा किया था मैं चुनाव लड़ूंगा, वो लड़ रहे हैं। उन्होंने वादा किया काराकाट में जीतने के बाद घर बनाऊंगा तो बनाएंगे, काराकाट में फिल्म सिटी बनेगी तो बनेगी। मैं तो घर घर घूम करके मेरे से जो हो पाएगा भैया मैं तो वही कर रही हूँ। मैं हाथ जोड़कर मैं सबसे निवेदन ही कर सकती हूँ, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते, एक कलाकार के सपोर्ट में मैं हूँ। बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, कल्लू जी आ रहे हैं, रितेश पांडे जी आ रहे हैं, जितने भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कौन कौन आ रहा है। एक चीज़ है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी कर देती हूँ कि खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए और इनके चैनल को भी खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे क्षेत्र से भी आते हैं और मैं चाहूँगी काराकाट की जितनी भी जनता है एक बार मौका देके देखिए। और एक बड़ा प्यारा गीत है कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब की काराकाट से लड़े पवन जी हमारे अवतारे, कि अब की पवन जी काराकाट करे उजियारे अवतारे। अभी तक मैंने आयुष भैया जितने लोगों के मैं घर गई हूँ, मैंने अभी दो चार ही घर मैंने घुमा है जो भी मैं ये ग्रहण कर पाई हूँ कि यहाँ पे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग निराश हैं सरकार से, 10 साल में लोग बोल रहे हैं, लोग मुझे घर दिखा रहे हैं अपना कि मेरा घर है या ये दिक्कतें ये समस्याएं हैं, कोई फिर घूमने नहीं आता है, जीतने के बाद कोई बच्चे में आता नहीं है या कोई आता नहीं है या कोई कुछ करता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं उनके मन में है। अभी तो मैं कई जगह नहीं जा पाई हूँ जा रही हूँ, तो लोगों की सबसे बड़ी निराशा ये कि सरकार बनने जाने के बाद कोई आता नहीं है।